कचड़वा देख के अपने को अनुमान लगा सको तनी की हॉस्पिटलवा कितना कितना दिन पर खुलत हुई। यहाँ मौसी का ज्यादा माल मर जाता कुछ बोल जा कोई दिखने आ रहा हमें नहीं है हमें दवा दारू मतियारी से बेतिया डॉक्टर बुलावा तनी सो 3 महीना पर एक बार खुले लगे 1 घंटा खाती आदमी डॉक्टर साहब बंद करके भाग जाने। अच्छा हम पानी में आ जाए छन समुंदर झोले से कोई ना पूछी ना मुखिया सरपंच कोई होय नहीं है ई कबू नहीं खुल सका 3 महीना में एक बार खुले कितना देर ला 10 से 15 मिनट ला खुली और डॉक्टर साहब वही दवाई के लिए बैग में धरिए रवाना भोर के बड़ा भोर खाली सब धावा था। हाँ सब लोग भोर खाली हमने का दिया हो हमने का दिया हो हमने का दिया हो सब लोग माका था। यहाँ पर दवा देवे खातिर केहू डॉक्टर उपस्थित रही बछड़ा के बुखार भल बतावे खातिर केहू डॉक्टर उपस्थित रही ओकरा बादे ना यहाँ के जौन की बा पशु पाले वाला लोग किसान लोग जौन की बा यहाँ आकर के दिखाई आ कि ऐसा ही आकर के पीपल के पेड़ से बतिया के यहाँ से चल जाए। सीधा सीधा बात बा अगर यहाँ चलत रही तो शायद ई सब के जरूरत यहाँ पर ना रही। राजा रुवल सब देखत नहीं अपन भोजप्रिय चैनल झलको चंपारण। झलको चंपारण चैनल के अगर अपने सब सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करिए घंटी के चिन्ह पर जरूर दबाई। फेसबुक पेज पर भी जाकर हमारा फॉलो करी लाइक करी न्यूज के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अपने के शुरू से लेकर लास्ट तक अगर न्यूज के देख रहा बनी तो न्यूज के भीतर में का रहस्य छुपल बटे कौन सा योजना के लाभ जनता तक नहीं के पहुँचत योजना अपने के जरूर दिखाई देती। अभी हमनी के एक बात बता दी कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज अनुमंडल में स्थित बा गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के मलाही बाजार में उपस्थित बनी। सामने एक बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन पशुपालन विभाग के एक बोर्ड लागल बा आ बोर्ड के सामने जौन की बा गाय बछड़ा के सुई देवे खातिर एक छोटा सा ने अपने के देख ली घेरावा भी बनावल बा। कुछ कहे के ना चाहे वैसे ना कहे के चाहे कि हमने के कहला पर कुछ लोग के दिक्कत हो जाला शायद ई कचड़वा देख के अपने को अनुमान लगा सको तनी की हॉस्पिटलवा कितना कितना दिन पर खुलत हुई। अच्छा ई बतावल जाओ सामने जौन मवेशी बा हॉस्पिटल कितना कितना दिन पर खुले कहाँ कोई खुलता जी कोई नहीं खुलो हमें देखा नहीं कोई खुलते नहीं है एंगे बंद जब भोज तो यही बंद है बाटे। अच्छा। कोई खुलबे ना कोई बाढ़ के समय में अपने लोग के दरवाजा तक तो, माने केहू स्वास्थ्य विभाग से पशुपालन विभाग से गई रहे दवा व वितरण करे खातिर की कोई नहीं कोई ना हम के पानी में दहाई बोल कोई पूछबो ना करेला ना हम पानी में दहाई जाए समुंदर झोले से कोई ना पूछी ना मुखिया सरपंच कोई होय नहीं है कोई पूछी यार नहीं है ना विधायक बा लोग उमपी बेरे सब कोई नहीं पूछी यार का भोज के चटिया के लोग सब मुहल की का भोज की जी ना कोनो परवाह नहीं वोट के बारे पूछा जाना वोट के बारे वोट खाली सब धावा था। अच्छा। हाँ सब लोग भोर खाली ए हमने का दिया हो हमने का दिया हो हमने का दिया हो सब लोग माका था। हाँ वोट के बारे दही चूरा खिया तो लोग ए दही चूरा की कहते चल खिया दही चूरा तो लोग दही चूरा खिया ही दिया था दही विकास हमारा कह दे उनका विकास कह दे दिया जाता घूम के तकते नहीं थी 5 बस तकड़ा भाई सब मुखिया के सरपंच के आ सब लोग के जो जो एम पी भी है चाहे के बाद वो तो और नहीं कहता कौन यहाँ मौसी का ज्यादा माल मर जाता कुछ बोल जाता कोई दिख नहीं आ रहा हमें नहीं है हमें दवा दारू के मतियारी से बेतिया डॉक्टर बुलावा था नहीं सो तो दवा होता वो डॉक्टर आवता तो 2 महीने आवा था डॉक्टर तो 15 दिन 10 दिन दवा दे देता और फिर अपने घर रह जाता 3 महीना पर एक बार खुले लगे 1 घंटा खाती आदमी डॉक्टर साहब बंद करके भाग जाने। अच्छा यहाँ माल सन के बीमारी होता और हमारे पहाड़पुर जाने से दवा लिया पहाड़पुर में बाटे। हाँ पहाड़पुर में मौसी हॉस्पिटल पहाड़पुर में जानी तो अपने के वहाँ पर का सुविधा मिलेगा वहाँ मैंने फ्री में दवा मिल जाए। अच्छा पैसे लेके भी मिलेगा ना मिले पैसा लेके मिलेगा कितना रुपया लगे लगभग अब जौन मांगे लो तो दिया जाला 100-200 जौन मांगे लो तो दिया ला 100-200 तक यानी 2 रुपया जौन की बोकर फीस बा दावा के फीस 2 रुपया बा। और बताओ जो चाचा यहाँ अभी अपने के क्षेत्र में कौन कौन सा पंचायत में सबसे ज्यादा लोग माल मवेशी रख ले बा अपना चौथी दियर में बेसी माल बा मजारिया दियर में माल बा ऐसे तो बेसी कहीं इलाके में माल नहीं है सब दियर इलाका। अच्छा ये माल जाल रखे वाला जो लोग बा मलाही हॉस्पिटल से कितना दूर पर दूरी पर घर बहुत हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पर 2 किलोमीटर यानी उनकरा अगर दवा लेवे आवे के पड़े तो मलाही सही बा मलाही 2 किलोमीटर बाद कहाँ यहाँ डॉक्टर साहब रहते नहीं तो दवा खेत दी। अच्छा हाँ जाओ पहाड़पुर चाहे कहीं से दवा ले आओ पहाड़पुर वगैरह अपने लोग जाए। हाँ अच्छा कितना दिन पहले अपने अपना नजर से देख लो नहीं करे खुल हम तो बुझा था जन्माष्टमी के पहले अहीं के देख लो हम खुल जन्माष्टमी से पहले। हाँ बादो के जल जन्माष्टमी के पहले ही खुआई एक दिन खाली खुलल हो बीच में ना खुलल 15 अगस्त के खुल रहा है एक बार देख लो 15 अगस्त के। हाँ अच्छा 15 अगस्त के बाद कब खुलल देख लेंगे कि दवा का कर ले दुकान महीना में एक बार कोई खुलेला कम से खोल के दुकान है कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल है एमे एक बार खोलल है
आवल दवा निकालने चल के दवा का जरूरी पड़ रहा था सब पैसा लेकर दवा ले यहाँ के जौन पैसा ले दवा नहीं देते हैं वो ना नहीं। अच्छा तो बताइए कैसे हुई विकास फिर हमी के क्षेत्र सरकार दवा खातिर अपने लोग 150 रुपया लगा के पड़ता फिर हॉस्पिटल 100 रुपये 50 रुपये लेवल है कहें ले तो 200 का सुई पड़ता 300 का सुई 300 का बिल बना दी जो इतना के दवा हो गई। अच्छा ना खुली तो हमें दुकान से जौन मांगे लोग दे के ले प्राइवेट से तो खर रखे तब ले ली कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सरकारी बात दवा ली जब जब बा वहाँ का लगा तो दवा का दुकान खोल कर दवा लेकर दूसरे को बेच देता नहीं हम देते नहीं अपने अपने से विशेष बात ही हुई मलाही क्षेत्र में रहो घर बाजार में अपने के हॉस्पिटल से कौन कौन सा पंचायत जोन की नजदीक बा जहाँ ज्यादा लोग माल मवेशी जोन की बात बताओ यहाँ से तो सबसे नज़दीक बा कि 2 किलोमीटर चटिया बा बहुत सारा वहाँ पशुपालन कर लो बहुत ज़्यादा बा मझरिया बा यहाँ चल जाए रहा पोखरा बा वहाँ भी जादू जी लोग बहुत पशुपालन कर ले बालो सेमराही बा पहाड़पुर से नज़दीक मलाही बा महीना में कबू नहीं खुल सक 3 महीना में एक बेर खुल कितना देर ला 10 से 15 मिनट ला खुली आ डॉक्टर साहब अहन दवाई कलिए बैग में धरिए आ रवाना और बाद कबू खुलल रहुआ ना देख सकतनी हाँ एक खुलेला 26 जनवरी के 15 अगस्त के झंडा फहरा वही है और बाद में रवाना हो जाइए और बाद में कौन परसेंट लोग माल मवेशी रखे लगभग परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंट कम से कम 80% बा यहाँ माल 80% बा पर निर्भर बा निर्भर बा ओकरा घर के पढ़ाई लिखाई से लेके दवा बीरू तक सब माल के दूध से ही निर्भर बा बस जौन दूध से आई तो उनका बाल बच्चा पढ़ी लिखी या पोषण आहार ओकरा दूध से बटे। अभी अपने के मलाही बाजार में ही घर बटे का समस्या होला रोली के इना खुलेला तो जरूर कुछ ना कुछ बुझात हुई लोग यहाँ से वापस जात हुई तो अपने लोग अब लोग आवेला उतना दूर से आवेला यहाँ दवाई ना मिले ला बेचारा दुख अपन रोए लगावेला यहाँ से अंग्रेजी दवा ले वाला दुकान पर से ले वाला प्राइवेट से लेके जाला तो कहीं यहाँ जाला तो कितना लोग पशुपालन मर जाला बाछड़ा बा गाय बा मियाज खराब मर जाला। यहाँ पर हम भी आते हैं कभी कभी हमारा घर देखिए बाहर का है हरसिद्धि बाजार हम आते हैं हमें हमारा यहाँ पर कौनाई है आते हैं तो ऐसे ही बंगल रहता है अपने आवे नहीं बाद भी बंद रहता है बंद भी रहता है हम भी आते हैं हफ्ता दिन पर 10 दिन पर आते हैं तो अपना गांव में जाकर शिकायत करते को मलाही सब करेंगे नहीं हमारा हरसिद्धि बाजार है देखिए हमारा भी ब्लॉक है वहाँ भी मवेशी है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है खुला डेली वहाँ डेली पे डेली खुलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा यहाँ पौनाई है मैं आता हूँ मैं देखता हूँ ये बाथरूम से हट के रहता है बाथरूम से भी ज्यादा हाँ हट के रहता है विधानसभा क्षेत्र में अगर सुधार करे बा तो अपने लोग लामा लामा सिर्फ पेपर में टीवी पर जौन की बा प्रचार कैला से विधानसभा क्षेत्र में विकास ना हो जाए धरातल पर कौनची हो रहा है एकरा विषय में अपने के सोचल जाओ आ ना सोचल जाए तो का करम सर हमनियों के अपन आँख बंद करके घूमें अगर लगातार हमने आवाज़ उठाते हैं तो हमने के साथ दी और साथ के साथ साथ जो कि अपना क्षेत्र में विकास करे खातिर कुछ आगे में है जो कि पोजीशन के बढ़ावे के कोशिश कर जाओ ये निवेदन बर बोलेंगे हाथ जोड़ के आ न तो मलाही थाना क्षेत्र के किसान लोग होके चाहे पशुपालन वाला करे वाला लोग होके अगर ऐसा ही देखे के चाहता नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में ताला रहो प्राइवेट से दवाई जो कि 2-2 हज़ार के घर पर जात रहो तो अपने लोग ऐसा ही करी अगर चाहता नहीं कि अपने क्षेत्र में विकास होके अगर सरकारी हॉस्पिटल खातिर आवाज़ उठाता पशुपालन विभाग खातिर आवाज़ उठाता अगर अपने के सही लागत कि ना मलाही थाना क्षेत्र में ऐसा गड़बड़ी बाटे तो अपने एगो शेयर ना 50 गो ग्रुप में शेयर करी हमारा तरफ से जिंदाबाद बा अपने क्षेत्र के विकास करे खातिर और लेकिन आगे बढ़ी कैमरा मैन रत्नेश के साथ हम राजा झलको चंपारण न्यूज़ बिहार।